रात को ये हुआ कि हम सोए हुए थे ढाई से पौने तीन बजे के समथिंग, हाँ करीब, यहाँ पे बम की आवाज आई, एकदम धमाके की आवाज आई। जिसके दो मिनट बाद मैं उठ के मैंने देखा वो पड़ोसी रईस, हाँ, हाँ। मैंने पूछा कि भैया कौन था, तो कोई नहीं, तो मैं यहाँ खड़ा, तो एकदम यहाँ पे एक और बम पड़ा हुआ था, तो मेरी मिसेस ने, मेरी पत्नी ने मेरा हाथ खींच लिया और दरवाजा लगा लिया, नहीं तो मैं झुलस जाता या मेरी हत्या हो सकती थी। और इन लोगों का डर से हम लोगों को खतरा है, हम कभी भी इन लोगों से खत्म कर सकते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों से हमें जान का खतरा है, हमारा बहुत खतरा है। हमारे आज दिन यानी कि हमने पहले भी कार्रवाई करी थी इस विषय में, एक महीने पहले करी थी। ये आलम खड़ा करा जिस दिन से, उसी दिन से, यानी ये मुस्लिम क्षेत्र है यहाँ जी, और मेरी यहाँ की पैदाइश है, सब कुछ है, मैं किसी के लेने में नहीं, देने में नहीं, मैं अंडे का ठेला लगाता हूँ। मेरे को वहाँ पे भी आके जान से मारने की धमकी दी जाती है, मेरे पे दबाव बना रहा कि राजीनामा कर। उसके पूर्व भी 5-6 साल पहले यहाँ पे बोरिंग की लाइन डली थी, तो एक सोनू नामक गुंडा, जिसके कम से कम 10 केस है, उसने पाइप पूरी निकाल के भेज दी, बकरे लाना तो यहाँ गाड़ी यहाँ खड़ी करना, घर वहाँ 5 घर छोड़ के, इस प्रकार गाड़ियां खड़ी करना, ये आलम खड़ा करना। आयो दिन यहाँ बैठते हैं। कितने बजे की घटना, रात की बम फेंकने की? ये 2:45 से 3 बजे की बात है, 2:45 से 3 बजे। कहाँ पे चला है जिसमें ये खील ऑन पड़े, ये दिख रहा ना बम, एक टोटल कांच के टुकड़े वगैरह सब दिख रहे हैं यहाँ। कौन कौन थे मुस्लिम अपराधी, कौन कौन थे जो पिछले महीने अपन ने कार्रवाई सोनू प्रशासन ने फिर भी कार्रवाई नहीं करी? प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन कभी, रात को भी हम 3:30 से 4 बजे थाने पे गए, पुलिस वाले आए, देख के चले गए, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और किसी प्रकार रात भर हम एक कोने में बैठ के डर के मारे सहमे हुए बैठे रहे, डर गए रात को कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरे पति को मैंने बहुत मुश्किल से बचाया, अभी तो रात को हम लोग, मैं भी यही खड़ी। अब डरने की जरूरत नहीं, बजरंगदल लाभ के साथ है, देश का बल, हटेगा नहीं, और मार के जाऊंगा, मार के जाऊंगा, क्या करूँगा। कल से अगर हमारे संग, मेरे या मेरे परिवार के संग कुछ होता है तो इन लोगों की जवाबदारी है। मारने की जो धमकी दे रहे हैं उनके नाम क्या है? रईस, पिता सलीम, आदाब, पिता आरिफ, सोनू पिता रफीक, और सोनू पिता अयूब। और कौन कौन है इस गली के रहने वाले? बहुत सारे आते हैं। यहाँ कोई रिपीट वगैरह नहीं आती, नहीं आता, यहाँ कोई नहीं बोलता है। बोले बैठेंगे वो तो, और बोलेंगे वो तो।